तो दोस्तों यहाँ पर जो है दो दो इनोवा खड़ी है। ये है 2011 मॉडल और ये है 2015 मॉडल। तो मैं 15 मॉडल से शुरुआत कर रहा हूँ। सारी की सारी गाड़ियाँ जो है सस्ती है, निसान की है और इधर एकॉर्ड भी है, होंडा कोड जो है, तो ये सब सस्ती गाड़ियाँ हैं, 20,000 से नीचे की है। तो ये चक्कर इसका इंजन, माशाल्लाह। ये चक्कर ले, कहीं से गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल अनटच गाड़ी है दोस्तों, बम्पर टू बम्पर ये वाली गाड़ी जेन्युइन है, वकाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों अभी मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ ये हुंडई एलंत्रा है, 2014 मॉडल, और किलोमीटर मैं आप लोगों को पहले चेक करवा दूँ। गाड़ी की कंडीशन दोस्तों बहुत ही अच्छी है, इंजन गियर वगैरह बिल्कुल सही है। पहले आप लोगों को मैं किलोमीटर चेक करवा दूँ। 3,362 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, और पहले इसका मैं आउटसाइड से इसको चेक करवाता हूँ बाहर से। ये चेक कर लें आप लोग, 2014 मॉडल है दोस्तों, और 3,00,000 जैसा कि किलोमीटर आप लोग को चेक करवा चुका हूँ, 3,00,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, और इंजन गियर चेसिस ये तीन चीज़ बिल्कुल सही है। अभी अब मैं आप लोग को चेक करवा रहा हूँ, बाकी गाड़ी जो है दो तीन जगह से रिपेंट है, ठीक है, दो तीन गता इसका जो है रिपेंट है, बाकी कंडीशन माशाल्लाह गाड़ी की बहुत अच्छी है। और नीचे से ये चक्कर है, नीचे से गाड़ी लगी हुई है, रिसीवर लगी हुई है, खास इस्तेमाल इसका बिल्कुल नया है। ये चक्कर इसका फ्रंट प्रोफाइल, कंडीशन दोस्तों गाड़ी की बहुत अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल A1 है, और GLX है। बैक प्रोफाइल इसका चेक कर ले, और अभी मैं इसका ट्रंक आप लोगों को चेक करवा रहा हूँ। इसका ट्रंक खुल गया, ये स्पेयर वगैरह सब है, टूल किट तो नहीं है इसमें, पुराना मॉडल है और ज़्यादा चली भी है, तो सामान सब लोग निकाल लेते हैं। बाकी दोस्तों इंटीरियर सीट इसका थोड़ा गंदा है, ठीक है, सीट थोड़ा गंदा है, बाकी 250 रियाल में गाड़ी बिल्कुल वकाला हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी पहले ऐसी थी, इतनी गंदी थी, तो इस पर आप लोग मत जाइए। बाकी इसका दरवाज़ा वगैरह बिल्कुल साफ़ है, और ये पावर विंडोज़ है चारों की चारों, और साइड मिरर भी जो है पावर है, और गियर ऑटोमेटिक है इसका। इंजन इसका 2000 cc है दोस्तों, इसका इंजन साइज जो है 2000 cc है, और अभी मैं आप लोग को इसका इंजन भी चेक करवाता हूँ। इसका बोनर मुझे लग रहा कि रिपेंट है, एक्सीडेंट नहीं है गाड़ी दोस्तों, एक्सीडेंट नहीं है। ये चक्कर इसका इंजन, माशाल्लाह। ये चक्कर ले, कहीं से गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है, गाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और इंजन बड़ा है तो उस हिसाब से काफ़ी लो प्राइस में है। जिस हिसाब से गाड़ी की कंडीशन है, प्राइस इसका बहुत ही लो प्राइस में गाड़ी है। तो मैं आप लोग को गाड़ी स्टार्ट करके भी एक बार चेक करवा दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाड़ी दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है, और इसका गियर चेक कर लें। तो दोस्तों इसका प्राइस है 23,000 रियाल, ठीक है, तलातो स्क्रीन अब इसका प्राइस है। तो अगर किसी भाई को गाड़ी चाहिए तो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग इस पर जो है बात कर सकते हैं। हुंडई एलंत्रा 2014 मॉडल, इंजन 2000 cc है, 3,00,000 किलोमीटर चली हुई है, इंजन गियर चेसिस है, तीन चीज़ बिल्कुल फ्रेश है, तो आप लोग इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और वहाँ पर बहुत सी गाड़ी खड़ी है, तो चलिए उसको भी जो है मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। वो थोड़ी महंगी गाड़ी है दोस्तों, बिल्कुल अनटच गाड़ी है वो, ये सामने खड़ी है। ये दोस्तों टोयोटा कैमरी है 2014 मॉडल, 1,00,000 तकरीबन 1,40,000 या 45,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, टोयोटा कैमरी 2014 मॉडल, बिल्कुल अनटच गाड़ी है दोस्तों, बम्पर टू बम्पर ये वाली गाड़ी जेन्युइन है, वकाला है। ये चेक कर लें,
बिलो लिया गाड़ी कितनी चली है? कितनी चली है? 56,000। अरे रेट बताना, बहुत से लेने वाले हैं, पागल है ले 56,000। तो दोस्तों वो भी बोल रहा है गाड़ी थोड़ी महंगी है, ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बताया हूँ। तो दोस्तों वो भी बोल के गया है कि गाड़ी जो है कोई पागल ही आदमी लेगा, बोला 55,000 रियाल इसका रेट है और 150,000 किलोमीटर चली होगी। गाड़ी महंगी है दोस्तों, लेकिन गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन है, वकाला है, गियर ऑटोमेटिक है, 150,000 किलोमीटर चली हुई है, तो 55,000 रियाल इसका रेट है। बहुत महंगी है दोस्तों, गाड़ी बहुत महंगी है। और इधर एक 2017 मॉडल, ये भी बहुत महंगी है, ये भी जो है बहुत महंगी है, और ये फुल ऑप्शन है, जेलेक्स है, 2017 मॉडल है, और ये भी तकरीबन जो है 120,000 या 130,000 किलोमीटर चली हुई है। ये चेक कर ले आप लोग, जेलेक्स है ये भी, और पार्किंग सेंसर वगैरह सब है, रियर कैमरा भी है पीछे इसके, और सनरूफ वगैरह सब है, क्रूज कंट्रोल भी है इसमें, और इंटीरियर इसका चेक कर ले, गाड़ी बिल्कुल फ्रेश अंदर से, गाड़ी अंदर से दोस्तों बिल्कुल फ्रेश है। तो ये 2017 मॉडल की, इसका रेट तकरीबन जो है 70,000 रियाल के करीब इसका रेट जाएगा दोस्तों, 70,000 रियाल। ये भी बहुत महंगी है और ये भी बहुत महंगी है, दोनों जो है बहुत ही महंगी। ये तो GL है, ये तो फुल ऑप्शन है, तो ये सभी अल्फा है, ये मैं ऐसे ही शेयर कर दे रहा हूँ दोस्तों। बहुत से भाई लोग जो है बोलते हैं कि गाड़ी वकाला चाहिए, जेन्युइन चाहिए, कहीं से गाड़ी में स्क्रैच ना हो। तो दोस्तों अभी मैं वीडियो बना रहा था, मैं 70,000 आप लोग से बोल रहा था, वो जो अभी इमारत में काम करता है वो बोल के गया 72,000 रियाल, इतने नो सभी अल्फा। मैं थोड़ा रेट शेयर कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग के साथ, कि जो गाड़ी वकाला रहती है, अनटच रहती है, रिपेंट नहीं रहती है गाड़ी कहीं से भी, और कम चली हुई रहती है, तो मैं सिर्फ आप लोग के साथ प्राइस शेयर कर रहा हूँ। आप लोग नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि रेट मैं बता रहा हूँ कि रेट बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों का रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन गाड़ी भी जो है बिल्कुल अनटच है, कहीं से गाड़ी में कोई एक्सीडेंट नहीं है, ना ही रिपेंट है, इंजन गियर सारी गाड़ियों का बिल्कुल वकाला है। तो दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ, इनोवा कुछ खड़ी थी, दो गाड़ी इनोवा है, तो उसके लिए मैं अभी चल रहा हूँ, तो रास्ते में कुछ गाड़ियाँ दिख गई अभी, तो इसका इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बनाऊँगा। ये सस्ती गाड़ियाँ है सब, ठीक है, ये सब सारी की सारी गाड़ियाँ जो है सस्ती है, निसान की है, और इधर एकॉर्ड भी है, होंडा कोड जो है, तो ये सब सस्ती गाड़ियाँ हैं, 20,000 से नीचे की है। तो इंशाल्लाह इसका जो है अगली वीडियो में, अभी तो इसका रेट वगैरह कुछ भी नहीं पता मुझे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंशाल्लाह बहुत सस्ती प्राइस में ये सब गाड़ियाँ हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए फिलहाल चलता हूँ इनोवा की तरफ, वो खड़ी है सामने। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दो दो इनोवा खड़ी है, ये है 2011 मॉडल और ये है 2015 मॉडल, तो मैं 15 मॉडल से शुरुआत कर रहा हूँ। 3,00,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है, इनोवा, टोयोटा इनोवा 2015 मॉडल, और कंडीशन बाहर से तो माशाल्लाह अच्छी दिख रही है, और काफ़ी लो प्राइस में है, काफ़ी जो है लो प्राइस में है। इंजन गियर वगैरह इसका बिल्कुल जेन्युइन है दोस्तों, इंजन गियर और चेसिस, जिसकी गाड़ी है मैं उससे बात किया हूँ, वो बोला इंजन गियर और चेसिस की गारंटी है, बाकी बॉडी तो रिपेंट है, और फास इस्तेमारा बिल्कुल नया है, फास वगैरह बिल्कुल इसका नया है, और गाड़ी में कोई खर्चा नहीं है दोस्तों, एक रियाल का खर्चा नहीं है गाड़ी में, गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है। पर इसका तासा जो आता है प्लास्टिक का कवर, वो निकला नहीं है इसमें, और इंटीरियर दोस्तों चेक कर लें आप लोग, गाड़ी बिल्कुल साफ है माशाल्लाह अंदर से, और सीट कवर लगा हुआ सीट को, ठीक है। और दोस्तों ये गियर आईडी है, ये गियर आईडी है, गियर ऑटोमेटिक नहीं है, बाकी माशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल साफ है दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश है अंदर से। और पीछे साइड से चेक कर लें आप लोग, गाड़ी अंदर से बिल्कुल साफ़ है। तो दोस्तों ये गियर आईडी है, 2015 मॉडल है, और 3,00,000 किलोमीटर चली हुई है, कंडीशन माशाल्लाह गाड़ी की बहुत अच्छी है, ठीक है, जिस हिसाब से वो आदमी बोल रहा था जिसके पास गाड़ी है। अभी नंबर शेयर करूँगा आप लोगों को, लास्ट में नंबर शेयर करूँगा। तो इसका प्राइस है दोस्तों 32,000 रियाल, ठीक है, इसने 2015 मॉडल टोयोटा इनोवा 3,00,000 किलोमीटर चली हुई है,
तो 32,000 रियाल इस रेनो 32,000 रियाल इसका प्राइस है। तो अभी नंबर शेयर कर रहा हूँ, अभी चल रहा हूँ इसकी तरफ। ये 2011 मॉडल है और 3,50,000 किलोमीटर ये चली हुई है, ठीक है, 2011 मॉडल है। और ये वाली भी माशाल्लाह कंडीशन में बहुत ही ज़बरदस्त दिख रही है गाड़ी, 3,50,000 किलोमीटर ये वाली चली हुई है और ये वाली तो 3,50,000। बाकी ये दोस्तों गियर आईडी है, अभी इसको इसको भी चेक करवाता हूँ कि ये गियर आईडी है या गियर ऑटोमेटिक। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, ये इसका फ्रंट प्रोफाइल चेक कर लें। अभी जस्ट जो है इशारे के पास मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिग्नल के पास, तो गाड़ियाँ आती जाती रहती है, तो उस वजह से वॉइस पे डिस्टर्ब हो रहा होगा आप लोगों को। कंडीशन दोस्तों माशाल्लाह अच्छी है गाड़ी की। बाकी इसका साइड मिरर जो है इस पर टेप लगा के चिपकाया हुआ है। बाकी बॉडी तो ओवरऑल माशाल्लाह अच्छी दिख रही है, ये चेक कर ले आप लोग। और इंटीरियर इस पर भी सीट कवर शायद लगा हुआ है, इस पर भी दोस्तों सीट कवर लगा हुआ है। और गाड़ी माशाल्लाह अंदर से बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल फ्रेश है, एक रियाल का खर्चा नहीं है गाड़ियों में, कुछ भी खर्चा। ये गियर ऑटोमेटिक है दोस्तों, ये चेक कर लें, ये वाली जो है गियर ऑटोमेटिक है, विंडो साइड मिरर सब पावर है और एसी वगैरह बिल्कुल फ्रेश काम कर रहा है इसका, दोनों गाड़ियों का इंजन गियर और चेसिस बिल्कुल सही है। और ये वाली 3,50,000 किलोमीटर चली हुई है, अभी इस पर पेपर लगा हुआ लेकिन इस पर कुछ भी नहीं दिया है, बिल्कुल फ्रेश है, सादा है। तो और एक चीज़ और दिखाना भूल गया दोस्तों, ये साइड मिरर जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये बाद में लगाया गया है, ये टूटा हुआ था, ये तिजारी है, लोकल है, मुश्किल नहीं है दोस्तों, ये 10-15 रियाल का खर्चा है, ये तो लगा हुआ है, मुश्किल नहीं ऑलरेडी। तो जो छोटा मोटा काम है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, बाकी इसका शायद विंडशील्ड भी चेंज है, ये इसका विंडशील्ड भी दोस्तों चेंज है। बाकी दोस्तों मॉडल 2011 है, ठीक है, तो उस हिसाब से गाड़ी में अगर छोटा मोटा काम है तो वो मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर इंजन गियर और चेसिस इसका अगर सही है तो गाड़ी माशाल्लाह अच्छी है। तो इसका प्राइस है 29,000 रियाल, 29,000 रियाल इसका प्राइस है, 2011 मॉडल है, 3,50,000 किलोमीटर चली हुई है। तो दोस्तों ये स्क्रीन पर नंबर शेयर कर दिया हूँ, अगर 15 मॉडल या 11 मॉडल कोई भी आप लोगों को चाहिए तो नंबर है स्क्रीन पर, आप लोग जो है बात कर सकते हैं। आप लोग आइए गाड़ी चेक करवाइए तभी जो है गाड़ी परचेज़ करिए। इसका है 32,000 रियाल और उसका है 29,000 रियाल, तो नंबर है स्क्रीन पर, आप लोग बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच।